किसी सरहद को नहीं मानते, हम किसी मुल्क को भी नहीं मानते। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही जमीन बनाई है और उस पर सरहद इंसान ने बनाई है। हम उसके भेजे हुए सिपाही हैं, उसने हमें भेजा है इन सरहदों को मिटाने के लिए। लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को मिटाना चाहते हैं, हाँ मिटाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को भी मिटाना चाहते हैं। हमें उसके हुक्म की तालीम करनी होगी, इस जमीन को ये करना होगा। तो उठो, उठो, मैं जानता हूं सर कि इन दिनों वो नफरत की आग उगल रहा है, पैसों की खनक से ईमान खरीद रहा है, लेकिन एक बार उसका सामना मेरे साथ हो जाने दीजिए सर, वो नफरत तो क्या मुझसे मोहब्बत की भीख मांगेगा। किसी मुल्क के लिए मरने वाला सिर्फ मर जाता है और इसकी मौत का उस मुल्क को कोई फायदा नहीं होता। फतेह उसी की होती है जो जिंदा रहता है, और जिंदा वही रहता है जो अपने दुश्मन को मार देता है। जिसका दुश्मन जिंदा है उसकी मौत जिंदा है, जिसने अपने दुश्मन को मार दिया उसने अपनी मौत को मार दिया, और जिसकी मौत ही मर गई वो तो मर ही नहीं सकता, वो कैसे मर सकता है। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो मारो अपने दुश्मन को। मारो, मारो, मारो। मिसेज रंजीत सिंह, मिसेज रंजीत सिंह, मिसेज रंजीत सिंह जी, ये मिलिट्री की चिट्ठी है, आपके पति जंग में लापता हैं, उनकी खबर मिलते ही हम आपको दोबारा इत्तला करेंगे। जय हिंद। एकी कह गया, मम्मी क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा कोई आया है। तुझे तो हर रात यही लगता है। आ जाएगा वीरा, वाहे गुरु पर एतबार रख।
एतबार है तभी तो जिंदा हूं, वरना मर गई होती अब तक। दिल ढूंढे उन्हें सरहद पार वे, दिल ढूंढे उन्हें सरहद पार वे, बस मांगो मैं उन्हीं का दीदार वे, बस मांगो मैं उन्हीं का दीदार वे, राह तकती है राह तकती है राह तकती है अखियां मेरी, दुआ ना कोई और मंग दी, दुआ ना कोई और मंग दी, नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी, दुआ ना कोई और मंग दी, फैसला हो ही जाना चाहिए सरपंच जी, बहुत दिन हो गए। कर लेंगे भाई, आज तय हो ही जाना चाहिए। भाई गल करते हैं देखते हैं। कौन है गाँव? मैं भाई सरपंच हरनाम सिंह। ओहो हो, दिखाई कम देता है ना, और कैसे आना हुआ? बात वही है जिसने तुझे तेरी उम्र से ज्यादा दुगना बूढ़ा कर दिया। रंजीते की बात करने आए हो? हाँ भाई हाँ। अरे भाई वो लड़ाई पे गया, लौटा नहीं है। 5 साल हो गए उसे लड़ाई पे गए, वो लौटने वाला भी नहीं है। ओए, वो जरूर लौटेगा। और पुत्र हम जानते हैं वो तेरा पति है, तेरे दिल में उसके लिए आसुमीद होना लाजमी है। लेकिन बेटी 5 साल कोई कम वक्त नहीं होता, और फिर किसी सूची में भी उसका नाम नहीं है, न तो दुश्मनों के पकड़े हुए कैदियों में और न शहीदों में। बेटा इसीलिए हमने इस गांव के सबसे बड़े चौक का नाम उसके नाम पे रखा है। अब वहाँ उसकी मूर्ति लानी है, उसके लिए तुम्हें निमंत्रण देने आए। लेकिन लेकिन मेरा सरदार तो जिंदा है। जिंदा तो उसे हम रखना चाहते हैं बेटी, हम चाहते हैं वो हमेशा लोगों के मन में अमर रहे और आने वाली नस्लें उससे प्रेरणा लें। जी नहीं, आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि सारे इलाके में आपके गाँव का नाम हो, और आप लोग ये कह सके सब लोगों से कि सरहद पार जो शहीद हुआ था ना रंजीत सिंह, वो तो हमारे गांव का था। आप लोग चाहते हैं कि आपको एक मूरत मिल जाए माथा टेकने के लिए, एक रब मिल जाए, लेकिन मैं अपने पति को आपका रब बनने नहीं दूंगी। मेरा पति जिंदा है और मैं उसे जीते जी मरने नहीं दूंगी, समझे आप लोग? देखा सिमरन, देखा ये लोग क्या कह रहे हैं तेरे भाई के बारे में? हाँ देखा, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मैं जानती हूँ मेरा भाई जिंदा है और वो लौटेगा एक दिन। बेटे उम्मीद रखना जीने के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हद से बढ़ जाए तो पागलपन बन जाती है। वो मेरा भी भतीजा है, मेरे सगे भाई का खून, लेकिन बेटे। लेकिन कुछ नहीं ताया, मेरा वीर जिंदा है और एक दिन वो घर जरूर आएगा। चल पम्मी। ओटोला सिंह जी, ओटोला सिंह जी। क्या यार क्यों शोर मचाया है? मेरा कोई फोन तो नहीं आया। पहले एक बात बता, इस गांव के बाहर तेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार रहता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर फोन किसका आना यार? और मैं क्या पूछ रहे, मैं क्या हर्जा है? लो आ गया फोन मेरा यार, मेरी दुकान है, मेरा फोन आएगा, तेरा फोन कैसे आएगा यहाँ पर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, अरे चंगा, हाँ जी हो भी सकता है, हाँ जी हाँ जी, डिंग 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 डिंग, मेरा फोन कब आएगा? और टोला किसका फोन? डॉक्टर टिंसा का। किस लिए? कहता इंजेक्शन पुत्र ने काट लिया। किसको? अरे तेरे को। कब? अरे परसों। कहाँ? टांग में, छपी टांग में। छपी मतलब? सच्ची नहीं है। अच्छा फिर? फिर क्या इंजेक्शन लगे? किसको? तेरे को और किसको? कहाँ? अरे पेट में। पेट में कितने? 14 इंजेक्शन लगे हैं मेरे पेट में, पर मेरी तो किसी कुत्ते के साथ दोस्ती है नहीं। सुनो ओ पाजी, मेरी गलत सुनो, बता तो दो किसका फोन था? और तेरे को बताऊंगा किसका फोन था, एक बार बता तो दो किसका था। फोन था उनका बताऊंगा। मेरी गलत सुनो, कहाँ जा रहे हो पाजी? एक मिनट रुको तो सही पाजी, मेरी गलत सुनो। तेरे को नहीं बताऊंगा, सिमरन जी को बताऊंगा। सिमरन जी, अम्मी जी मुबारक हो।
आप वाघा बॉर्डर पे आने वाले हैं, शायद उनमें अपना रंजीता हो। रंजीता ये तो क्या कह रहा है ढोला? अरे सब कह रहा हूँ, छोड़ रहे हैं वो लोग, बॉर्डर पे चल तू भी चल। तेरे दिल की लगन दिन रात जगी थी एक अगन, अब चैन मिला। बड़ा एक बात कहवा अविदा, मुझे भी और मम्मी को भी। जब बरसी तू बन के सांग, पगड़ी ठीक बनी है? शीशा तो लाई नहीं। शीशे की क्या जरूरत है, अपनी आंखों में देखने दो। जप्पी पा, कुछ सिपाही आने वाले हिंदुस्तानी पाकिस्तान से? पता नहीं, ये इन्फॉर्मेशन अक्सर सीक्रेट रखी जाती है। तुम रंजीत की जनानी हो ना? हाँ। कुछ सिपाही जो गुम थे अब तक आ तो रहे हैं इस तरफ, शायद उनमें रंजीत भी हो। नाराज है पम्मी से? बड़ा इंतजार किया तेरा। इसे कोई गहरा सदमा पहुंचा है, हम इसे अस्पताल ले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ले जाओगे? अरे इतने दिनों बाद मेरा सरदार मुझे मिला है और ऐसे ले जाओगे? मैं घर ले जाऊंगी इसे। चल रंजीत चल। देखो इसकी हालत ठीक नहीं है, हम इसे अस्पताल ले जाना है। चलो कुछ नहीं हुआ इसे, मुझसे दूर रहा है ना इसलिए ऐसा हो गया है। मेरे साथ रहेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना रंजीत? अरे ये इतने साल कहाँ रहा, इसकी हालत कैसे हुई जाना हमें? कुछ नहीं हुआ इसे, मैं कह रही हूँ ना, मेरी दूरी मार गई है इसे बस। अनिल ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। अनिल मैं कहता हूँ ले जाओ इसे तुम। अरे कैसे ले जाओगे तुम यहाँ? मेरी बात सुनो। अब मरा हुआ रंजीता तो तुम्हें नहीं सौंप सकते ना।
जैसा अट्टा कट्टा लिया था वैसा ही तो लौटाएंगे ना तुम्हें। आराम से। सिमरन, देखना, इतने सालों बाद आया है तेरा वीर, फिर ले जा रहे हैं उसे। सिमरन, वीर जी, वीरा को। सिमरन, सिमरन तुम तो समझो। देखो तुम पम्मी को लेकर घर जाओ, समझाओ उसे। मेजर को अस्पताल में चेकिंग के बाद हम लोग घर लेकर आएंगे, ठीक है? जाओ। पम्मी, वो कह रहे हैं उसको अस्पताल से सीधा घर लेकर आएंगे। चल घर चलते हैं। हमारे घर पहुंचने से तो पहले वीरा ही घर पहुंच जाएगा। अपने दिल की गहराइयों से संभाल के धीरे बिन तेरे उड़ेगी कैसे, एक लम्हा गुजरता नहीं है तेरी। संभाल बहू, अपने आप को संभाल। आज रंजीता मिल गया तो कल घर भी वापस आ जाएगा। कल? कल तक का कौन इंतजार करेगा? क्यों लाए आप लोग मुझे यहाँ पे? मुझसे झूठ बोला ना कि रंजीत घर पे है, झूठ बोला ना मुझसे? हाँ, झूठ बोला। और क्या तरीका था तुझे घर वापस लाने का? तो फिर एक झूठ और बोल दे, एक झूठ और बोल दे और अपने भाई को घर पे लेके। होश में आप मम्मी? नहीं 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 आऊंगी होश में। शांत हो जा बहू। मैं जाती हूँ, रंजीत को लेके आती हूँ। ले अब तुम दोनों की शादी का कोई इंतजार नहीं रहा। चल चल लेके आते रंजीत। रुक जा पुत्र, रुक जा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, रुक जा पुत्र। बेटे, ये तेरी उम्मीद का ही तो सिला है, वो वापस आ गया। यकीन रख, तेरे विश्वास के सहारे ही उसकी याददाश्त भी लौट आएगी, वो और वो घर आ जाएगा। हिम्मत रख पुत्र, हिम्मत रख। अरे तेरी हिम्मत के सहारे तो बेटे हम जिंदा हैं। चल पुत्र, अंदर चल। चला। पम्मी को तो वीरा के आने की खुशी से ज्यादा उसको ना पहचानने का शौक लगा है। अरे मैं तो खुशखबरी सुनाने आया था कि मैंने नई बाइक ली है। आ चल दे। वीरा को अस्पताल ले गए, कहाँ ले गए होंगे? रंजीत कई साल तक सरहद पार की जेलों में कैद रहा और किसी भी लिस्ट में उसका नाम नहीं था। जी नहीं, वो अपना नाम बताने काबिल नहीं था, उसकी याददाश्त जा चुकी थी। कब गई उसकी याददाश्त? अब इस बात का जवाब तो रंजीत ही दे सकता। रंजीत उठ गया? जी हाँ, मैं वही बताने तो आया था। देखो रंजीत, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी रेजिमेंट के हैं। मैं मेजर जनरल अश्वनी कुमार, ये हनी है और ये कुलवंत जानी है। याद करो रंजीत, याद करो। देखो कैसे बॉर्डर पे रो रही थी तुम्हारी जनानी, जिसे तुमने पहचाना तक नहीं। इन्हें सब याद आ जाएगा सर, एक बार जब हम इन पर हुए एक जुल्म का बदला ले लेंगे। इस पर किए हुए जुल्मों का बदला तो हम ले लेंगे, लेकिन उन जुल्मों का बदला कौन लेगा जो इसके खानदान पर हुआ, इसकी पत्नी पर हुआ, जिसे उसका पति मिलकर भी नहीं मिल पाया। जुल्म इंसान नहीं करते, सरहदें करती हैं। ये सरहदें जो इंसान को इंसान से दूर रखती हैं, एक दूसरे का दुश्मन बनाती हैं। जिसने हमारे रंजीते की हालत की है वो दुश्मन कहलाने के लायक नहीं, वो तो जंगली जानवर है, उसे गोली मार देनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि मैं आपको आज तक क्यों नहीं मार सका? मार नहीं पाते होगे बेटा, वरना कोई वजह नहीं कि मैं जिंदा हूं। अल्लाह की मर्जी कहूंगा तो मानोगे नहीं। अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं आप? वैसे आपको याद है कि कितने सालों से आप हमारे बीच में हैं, पाकिस्तान में? पता नहीं बेटा, अब तो गिनती भी भूल गया हूं। आपको यह तो याद होगा ना कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि मैं आज तक नहीं भूल सका। और आप शायद इकलौते हिंदुस्तानी हैं जो मेरे इतने नजदीक हैं। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो इत्तफाक की बात है बेटा, रिश्ता तो इंसान का इंसान से होता है, खून का खून से होता है। बाकी हिंदुस्तान अपनी जगह है और पाकिस्तान अपनी जगह। तुम तो दोनों ही तरफ आते जाते हो ना, तुम्हें तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलते होंगे और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मिलते होंगे। सच कहा आपने, रिश्ता तो खून का खून से होता है। शायद इसलिए मैं ऐसा बना, आराम से बॉर्डर क्रॉस कर लेता हूँ, 17 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तो भी खुलेआम आजादी से घूमता हूँ, समी हो या आसमां हो, सिर्फ इसलिए।
क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में मुझे कोई सच्चा पाकिस्तानी नहीं मिला, उसी तरह हिंदुस्तान में मुझे कोई सच्चा हिंदुस्तानी नहीं मिला। वो तो तुम मिलते ही उन्हीं लोगों से हो जो तुम्हारे सामने बिक चुके होते। इन बिके बिकाए लोगों के बीच तुम्हें सच्चा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कैसे मिलेगा? ये खजाने तो मुमकिन है तुम्हें हम खराबों में मिले। एक खाना खराब तो आज चला गया, अल्लाह उस मेजर रंजीत सिंह की हिफाजत करे। अरे बीजी, शादी तो इसकी हो जाएगी, लेकिन इसे इतना तो पूछिए ये दिन भर रहता कहाँ है? रहिंदा कहाँ है? सिमरन के पास जाता होगा और क्या? अरे बीजी, वो तो एक घंटा या दो घंटे ना, बाकी दिन भर क्या करता है ये? दिन भर क्या, दिन हुंदा ही कितना है, काम ढूंढता है। क्या काम ढूंढता है ये? हाँ हाँ बोलो, अगर ढूंढते हो तो मिलता क्यों नहीं? तू चुप कर, बाकी लोग डांट रहे कम नहीं है क्या? हाँ सूरज, अब तू से डांटा मत कर, अब इसकी शादी पक्की हो गई है। अरे शादी तो पक्की हो गई बीजी, लेकिन अब नौकरी भी तो पक्की होनी चाहिए। अरे फिकर ना कर वीरा, एक दिन तेरी सरकार की तनख्वाह से ज्यादा कमाई होगी मेरी। पता है आजकल मेरा नाम बहुत मशहूर हो गया है गाने वालों में। अरे हैरानी की बात नहीं अगर कल का मीका, जस्सी, दलेर मेहंदी, जसमीर मान सब मैं ही होऊंगा। अरे आप जानते नहीं, जलंधर का शो सुपर हिट हुआ था, सुपर हिट। हाँ मालूम है मालूम है, उस दिन वहाँ बहुत बड़ा डाका भी पड़ा था। लो, इन दो बातों का क्या संबंध? अब संबंध तो कोई नहीं, बस यूं ही याद आ गया। यही तो खराबी होती है पुलिस वालों में, दिन भर थाने में चिल्लाते रहते हैं और रात में घर आकर चिल्लाते रहते हैं। मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है? नहीं चिल्लाता मैं। ओए छोटू, यहाँ। ये मोटरसाइकिल कब खरीदी? अरे वीर जी, जलंधर के पैसे जो मिले ना उसे खरीदी है। इतने ज्यादा पैसे तुझे मिल गए, लेकिन तूने हम घर वालों को बताना ठीक नहीं समझा क्यों? वीर जी मैं बताने ही वाला था, वो रंजीत भाई आ गए ना वापस, उनको अस्पताल पहुँचाना था, बस उसी में उलझ गया। अरे हाँ, रंजीत अस्पताल में है ना? जी। हमें भी जाना चाहिए उसे देखने, जरा सिमरन से पूछो कि हम कब आ सकते हैं उसे मिलने। कल ही पूछ लेता हूँ। क्या बात है बड़े मियाँ, हर दफा आप मुझे देखकर चौंक ही जाते हैं। पता नहीं बेटा, शायद मैंने जिंदगी में इतने दुश्मन देखे हैं कि यकीन करने में थोड़ी देर लग जाती है कि सामने जो खड़ा है वो एक दोस्त है। दोस्त? दोस्ती क्या चीज होती है? एक दूसरे को दगा ना देने का वादा, एक दूसरे के साथ वफादारी का कॉल। और वफादारी? अगर मैं अपने मुल्क के साथ करूं तो वफादारी, और अगर आपके मुल्क के साथ करूं तो गद्दारी। मेरा मुल्क भी तो पराया नहीं बेटे, तुम्हारा ही तो हम मुल्क हूं। नहीं, मेरा मतलब यह है कि अब आप इसको क्या कहेंगे? आप अख्तावर से मिलते हैं, आखिर उससे आपका क्या रिश्ता है? क्यों वो आप पे इतना यकीन करता है और फिर आप उसकी सारी खबरें मुझ तक लाकर पहुंचाते हैं? ये बात दुरुस्त है कि उन खबरों की वजह से हमने बहुत से हादसात होने से रोके हैं, बहुत सी जानें बचाई हैं, बहुत सी मौतों को टाला है, लेकिन आप इसको क्या कहेंगे, मुल्क का वफादार या बख्तावर का गद्दार? मुल्क का वफादार तो आप मुझे कह ही सकते हैं, वैसे मैं बख्तावर का भी वफादार हूं। मैं आपको उसकी वही बातें बताता हूं जो किसी भी मुल्क के खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा हूं। वैसे बड़े मियां, आप एक ही दफा में बख्तावर का पता क्यों नहीं बता देते? ये रोज रोज की साजिश, ये रोज रोज की मुखबरी, तो सारा किस्सा एक ही दफा में खत्म हो जाए। मुझे मालूम होता बेटा तो मैं तुम्हें खुद बता देता। वो आंखों पे पट्टी बांध के मुझे ले जाते हैं और आंखों पे पट्टी बांध कर वापस छोड़ जाते हैं। पता नहीं वो कब आता है, कहां से आता है, मुझे क्यों मिलता है, और वैसे भी एक एक मुलाकात के बीच महीनों गुजर जाते हैं। वैसे आपने कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पड़ोसी मुल्क को तो नहीं दिए? चाय पियोगे बेटा? जी पियूंगा। अरे एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया, मेजर रंजीत सिंह सही सलामत सरहद पार पहुंच गया। सर बख्तावर का कुछ पता चला? नहीं पता नहीं सर, आप भी किन घुमन घेरियों में पड़े रहते हैं, हमसे कहिए अभी उठा लाते हैं उस बुढ़े को
कल सुबह तक सब कुछ बता देगा। नो नो, वैसे भी वो कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि कोई बाप अपने बेटे के साथ गद्दारी नहीं करता। क्या बख्तावर बेटा है बड़े मियाँ का? हाँ, बड़े मियाँ समझते हैं कि हमें ये मालूम नहीं है, हमने भी कहा गलतफहमी बनी हुई है, सो बना रहने दो। कमाल है सर, इतनी बड़ी खबर को आपने इतनी आसानी से छुपा रखा है। बख्तावर बेटा बड़े मियाँ का, यानी कि कमाल है। कमाल तो अब होगा। चल बैठना सिमरन। अस्पताल जा रहे हो, लग रहा है रंजीत भाई साहब को मिलने हैं। जी हाँ। रोटी छोटी लेके जा रहे हो, पर इतनी तकलीफ में क्यों जा रहे हो आप लोग ट्रिपल सवारी? सिमरन जी को मैं अपने साथ ले जाता हूँ बैलगाड़ी में। नहीं नहीं, पीछे साइकिल के कैरियर पे बिठा के आ जाओ जी, मैं तो कहना। अरे रहने दे, चलना छूट ठोक रहा है बीच में। कमाल, पीछे कैरियर है, आगे डंडा है, फिर भी हमारी साइकिल पर नहीं बैठती। इस रवि के पुत्र का तो पता काटना पड़ेगा। और रवि, रंजीत जी खबर जल्दी लेके आए। हाँ ले आऊंगा। संभाल के जाए, संभाल के। और ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ। और मैं भी आ रहा हूँ। और मैं क्या, पूरा गांव आ रहा है अस्पताल। रंजीते, तूने उस दिन बॉर्डर पे पहचाना ही नहीं। ये सिमरन तेरी बहन आई है, और वो रवि उसका मंगेतर। रवि आ, इन दोनों की मंगनी करा के गया था ना तू? तूने पहचाना नहीं इन्हें? और मैं, पम्मी, देख सारा गांव आया है तुझसे मिलने। चल चल, मैं मिलाती हूँ सबसे, मिलाती हूँ। चल, चल, सब आए हैं तुझसे मिलने। देख, तू कैसे नहीं पहचानता इन सबको रंजीते? हाँ, कैसे नहीं पहचानता? ये सब अपने हैं तेरे रंजीते, तुझे पहचानना होगा रंजीते, मुझे, अपनी बहन और उसके मंगेतर को भी। उसकी शादी करानी है तुझे रंजीते, अपनी बहनों के लिए लोग कुर्बानियां देते हैं, और तू पहचान भी नहीं रहा है। कैसे नहीं पहचानता तू? कैसे? मम्मी संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को सिमरन? संभालना होगा अपने आप को। रंजीत की याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और देश के लिए भी। देश का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे रंजीत की बहुत जरूरत है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फोन करना। हाँ कीजिए ना। ओ बजे आई, बजे आई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट होल्ड करना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है कि रंजीत सिंह को अपना नाम तक याद नहीं है। वो बताएगा ढोला सिंह, बताएगा। आप ही बता दो ना, वो क्या बताने वाला है। मुझे अगर कुछ मालूम होता तो अब तक मैंने बता दिया होता आप लोगों को। रंजीत ने यहाँ रहकर इतने दिन क्या देखा और क्या सुना, वो आप लोगों के काम आ सकता है। ठीक है बड़े मियाँ। और बख्तावर तक पहुँचने में आप लोगों की मदद कर सकता है। जी, पर बड़े मियाँ सिर्फ बख्तावर की खबरें देते हो, वहाँ की कोई और खबर भी दिया करो। बेटे, मैं मुल्क का वफादार सिपाही हूँ, गद्दारी मेरे खून में नहीं है, ना अपने मुल्क से ना पराए मुल्क से, बस
आप लोगों को अब रंजीत के होश में आने का इंतजार करना होगा। जी वक्त लगेगा। खुदा हाफिज। किसका फोन था? तेरे सोरे का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तू जनानी को पीटता बहुत है आजकल। मेरी जनानी चार मारेगी, मैं दो तो मारूंगा ना। तो ये भी कागज को तू थाने में गया? वो थाने रिपोर्ट लिखाने जाएगी, मैं भी तो जाऊंगा ना। यार काम मेरी बात तो सुन यार। कमाल है ये टोला सिंह, आज कोई फिर नवी स्टोरी फिट कर गया। लगता है मुझे बुद्धू बना गया। जाओ बुद्धू। बड़ी जरूरी खबर दी है बड़े मियां ने। साहब जाके बताता हूँ जल्दी से। कितने ओ सतरीकाल साहब जी। सतरीकाल टोला सिंह, की खबर ले? साहब जी बगैर खबर के टोला सिंह दुकान के बाहर कदम भी नहीं रखता। अपने पड़ोस से बड़े मियां का फोन आया सी। क्या कहा बड़े मियां ने? जी ओ कोई और खास बात? जी फिलहाल तो कुछ नहीं। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल बाऊ जी। सत श्रीकाल। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? देख गरम गरम रोटी लाई हूं तेरे लिए। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? भूख नहीं है? भूख है लेकिन नहीं खाऊंगा। जट बुद्धि, भूखे तो खाएगा क्यों नहीं? क्योंकि जब तक तू मुझे नहीं खिलाएगी मैं नहीं खाऊंगा। खिला देना। नहीं। देख मिन्नत करा ले लेकिन। शर्म नहीं आती अपने जनानी की मिन्नत करते हो? तो फिर खिला देना। उस दिन भी खिलाया था तो आज भी खिला दे। सहेलियां कहती हैं कि तू इतनी सांवली है और तेरी उंगलियां इतनी गोरी क्यों हैं? तो मैं कहती हूं कि जब मैं अपने रंजीत को खाना खिलाती हूं ना तो खाना इतना स्वादी होता है कि वो तो बस मेरी उंगलियां चाटता रह जाता है। मत कहिए बड़े मियां, इसमें जहर है। तुम अचानक? बस आपको मौत से बचाने चले आए। जो जिंदगी तुम मुझे जीने पर मजबूर कर रहे हो उससे तो मौत बेहतर है। खैर मौत तो जब आएगी तब आएगी, इसमें तो जहर नहीं। लेकिन अगर होता तो हम आपको खाने नहीं देते, क्योंकि हमसे गद्दारी करने वाला अपनी मर्जी से नहीं मर सकता। गद्दारी किसने की? आपने की। कल हिंदुस्तान फोन किया था। अरे बोलिए बड़े मियां, ऐसा क्या बता देगा होश में आने के बाद रंजीत हिंदुस्तानी मिलिट्री को? मुझे क्या मालूम? आपको तो सब मालूम है बड़े मियां, सब मालूम है। क्या रिश्ता है आपका जावेद से? मैंने पूछा क्या रिश्ता है जावेद का आपसे? अरमानों का रिश्ता है। अक्सर दिल में आता है कि तुम्हारी जगह अगर जावेद मेरा बेटा होता तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता। क्यों? एक गद्दार के घर में मेरे लव और क्या पैदा हो सकता था? शायद आप भूल गए कि हिंदुस्तानी मिलिट्री ने आपको कोर्ट मार्शल करके निकाला था। मत करो ये बदतमीजी मेरे साथ। बदतमीजी अभी कहां हुई? बदतमीजी तो अभी होगी। चल मैं तुझे आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, रंजीत था उसका नाम।
और उसकी एक बहन थी सिमरन, और सिमरन को रवि नाम के एक लड़के से प्यार था। तो रंजीत ने क्या किया कि उन दोनों की मंगनी तय कर दी। चपाती ला सिमरन। लाई। तेरा पेट है कि भरता ही नहीं, बारह बारह रोटियां खा जाता है। अब ले अपने लिए कोई पकाने वाली। कोई कहां से लाऊं? गांव की सारी अच्छी लड़कियों की तो शादी होने वाली है, ये सब तेरी गलती है। मेरी? और नहीं तो क्या। ये नहीं कि तेरा भाई मिलिट्री में, देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालता है, तुझे उसकी शादी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मैंने तेरी मंगनी करवाई के नहीं कराई के नहीं। वो तो तुम कब से मुझे इस घर से बाहर निकालने की फिक्र में हो। ओए सुन, ओए सिमो, वो जो तेरी दोस्त है ना, की ना होदा, वो पम्मी। हाँ पम्मी नाम है ना उसका। हाँ उसकी तो बात पक्की हो चुकी है, शादी भी हो रही है अगले हफ्ते। देर कर दी तूने। वही तो, हमेशा एक हफ्ता ही तो लेट हो जाता हूँ। पर तेरी सहेली थी,
तुझे ख्याल नहीं आया कि वो मैं देखती हूँ। पम्मी, पम्मी क्या हुआ? हा? ये चोट कैसे लगी? अंदर किसने किया है तेरा हाल? हा? चल अंदर चल। बस 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 शांत हो जा, रो मत। और क्यों यहाँ है? आजा आजा आजा। पम्मी, पम्मी बोलना, हुआ क्या? हुआ क्या? क्या हो गया बच्ची को? पता नहीं ताईजी। पम्मी, पम्मी क्या हुआ? मैं तेरी मम्मी से वापस घर गई तो बिल्ला आया हुआ था घर, कहने लगा चल पिक्चर चलते हम। मैं तैयार हो गई, मामा ने भी इजाजत दे दी। वैसे भी मामा मामी बिल्ला की किसी भी बात का इनकार कम ही करते हैं ना, तो हम पिक्चर से वापस आ रहे थे तो बिल्ला अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पे रुक गया शराब पीने के लिए। जटा यार, बिल्ला तेरी मंगेतर बड़ी खूबसूरत है। ओए, बिल्ले की पसंद बुरी नहीं है। शराब पीनी थी। बात तो है। मैं बिल्ला के ट्रैक्टर पर बैठे बैठे सो गई। तू इसका चुम्मा लेके बता, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। अभी लेता हूँ चुम्मा, देख तू। देख भाई, अचानक मेरी आंख खुली तो बिल्ला मेरे सामने खड़ा था। जा, मैं रोकने लगी उसे तो उसके दोस्त जो दूर खड़े देख रहे थे वो हंसने लगे। चुम्मा दे दे। जाती कहाँ है? चुम्मा दे दे। मैं भाग गई वहां से और वो भी मेरे पीछे भागने लगा। लेकिन मैं पिछली गली से भाग कर यहाँ आ गई। अच्छा किया तूने, तुझे आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओ तो पुत्र, तू अपने घर क्यों नहीं गई? घर होता तो बिल्ले की इतनी हिम्मत ही नहीं होती। उस घर से तो मुझे ब्याह के नहीं बेच के विदा किया जा रहा है। पम्मी का क्या हुआ? पम्मी को रंजीत से कोई जुदा नहीं कर सकता था। रंजीत बहुत प्यार करता था उससे। घबरा मत पम्मी, मैं देखता हूँ तुझे कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। ओए रंजीत सिंह, ओए बाहर निकाल मेरी बीवी को, पम्मी मेरी होने वाली बीवी है। ओए कहाँ छुपी है, बाहर निकल। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं। मुझ पे हाथ उठाया? ओए रंजीत, बाहर निकाल मेरी बीवी को। बाहर निकालो, ला मेरी बीवी को, निकाल बाहर उसे, नहीं तो। पहले अपने हाथों में दम पैदा कर, फिर किसी औरत पर हाथ उठाने की कोशिश करना। चल भाग यहां से, अगली बार पम्मी को हाथ लगाए ना तो ये हाथ काट के रख दूंगा। चल भाग। रंजीत, देख लूंगा, देख लूंगा पूरे गांव में मेरे सिवा पम्मी से कौन शादी करता है। देख लूंगा रंजीत, पम्मी मेरी होकर रहेगी। चुप। ऐसी गुमसुम बैठी रहेगी कि कुछ खाएगी पिएगी भी? चल कुछ खा ले। बिल्ला बहुत खतरनाक इंसान है। वो तो कुत्ता है कुत्ता, जो किसी औरत का विश्वास तोड़े उसे इंसान थोड़ी कहते हैं। मैं तो कभी इंसानों के बीच रही ही नहीं, इसलिए इंसानों को पहचानती भी नहीं हूं। तू तो जानती है ना, बचपन में ही
इन खड़ाकों ने मेरे माँ बाप को गोलियों से भून दिया था। फिर पता नहीं अचानक कहाँ से आ गए ये मेरे मामा मामी, सारी जमीन संभाल ली और मकान भी, और धीरे धीरे इन सारी चीजों से मेरी कानूनी मिल्कियत भी चली गई। कोई बात नहीं, आज से तू हमारे यहां रहेगी। हाँ नहीं सिमरन, यहां नहीं। बड़ा पानी है पंजाब की नदियों में, बहा ले जाएंगी एक दिन मुझे। ओ पागल मत बन, अरे किसी दिन बुरा सपना आ जाए तो कोई सोना छोड़ देता है क्या? अरे हम कराएंगे तेरी शादी। नहीं सिमरन, अब तक बिल्ला ने अपना आतंक सारे गांव में फैला दिया होगा, अब कोई हिम्मत नहीं करेगा मुझसे शादी करने की। ऐसी की तैसी बिल्ला की और उसके आतंक की, भाड़ में जाए। मेरा वीरा है ना, वो ढूंढ के लाएगा तेरे लिए अच्छा सा दूल्हा। वीर देख क्या कह रही है। वीरा, ओ वीरा। दसो सिमरन जी। अच्छा तुझसे बोलना, तू उसके लिए दूल्हा ढूंढ के लाएगा। अरे इशारे क्या कर रहा है बोलना। अरे तू इशारे क्या कर रहा है बोलना। ओ मेरी माँ, अपनी सहेली से पूछ, रोटियां पकाएगी मेरे लिए। ओए 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 वीरा, ए ओए बल्ले बल्ले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओए वीरा आजा आजा आजा। ओए मम्मी। फिर पम्मी और रंजीत की शादी हुई। उस दिन तो रंजीत के घर जाके छुप गई थी, अब कहां से आएगा रंजीत? पीछे देख। खत्म कर दे साले को। मैंने कहा था ना, अगली बार पम्मी पर हाथ उठाया हाथ काट दूंगा। हीर से सुंदर हीर है मेरी, ओए 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 ओए। रांझा बोल रहा है मेरे यार में, रांझा बोल रहा है मेरे यार में, सोनी जैसी गुन है मेरे यार में। हम सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोनी जैसी गुन है। पम्मो, पगड़ी ठीक बांधी है ना? मैं शीशा लाती हूँ। शीशे की क्या जरूरत है हुजूर? दो मिनट अपनी आंखें इधर कर लीजिए। लगता है फुर्सत में रब ने तुझे बनाया, कितना सोचा होगा फिर ये रूप सजाया। ओ लगता है फुर्सत में रब ने तुझे बनाया,
जितना सोचा होगा फिर ये रूप सजाया। चमक है तेरे इस दीदार में, बड़ी चमक है तेरे इस दीदार में, सोने जैसी गुण है मेरे यार में, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसी गुण है मेरे यार में। और इस तरह एक हो गए पम्मी और साहब जी। सत श्री अकाल बाबूजी। वो क्या बात है, चेहरे उदासी हैं, छाई हुई हैं। हाँ ढोला सिंह, बात ही कुछ उदासी की है। दरअसल मेजर रंजीत की याददाश्त वापस आने की उम्मीद ना के बराबर ही है। देखो अब की अगर बड़े मियाँ का फोन आए जी, तो उनसे पूछना कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने मेजर को दी थी। जी पूछूंगा। मुझे लगा के पगला है, हिंदुस्तानी है, हमदर्दी जा गुठी है मेरे बाप के दिल में। मुझे क्या पता था मेरे सर पर जासूस बिठा रखा उसने, जासूस बिठा रखा है मेरे सर पर। बहुत बहुत दुख हो रहा है मुझे। क्यों किया ऐसा, क्यों किया, क्यों किया ऐसा? तुम अब जाओ, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। बहुत दुख हो रहा मुझे, बहुत दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा। सत श्री अकाल वीर जी। अरे सिमरन अकेले, आज पम्मी नहीं आई? नहीं, हिम्मत हार बैठी है, कहती है रोज जाती हूँ, दीवारों से सर फोड़कर लहूलुहान होकर वापस आती हूँ। हाँ बात तो सही है। और फिर आज तो राखी है ना, पम्मी आती तो भी मुझे आना था। जा मिल ले, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। अच्छा देख लीरा, मैं आ गई। आज पम्मी नहीं आई, आना चाहती थी लेकिन मैंने उसको कहा कि आज मैं जाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि आज राखी है लहाते, और आज के दिन एक बहन को अपने भाई के पास तो आना ही था। चल पैसे दे। एक रुपया? कौन देता है एक रुपया राखी पर? बस 100 और दे दो। हाँ बस 600 ले। ये हुई ना बात। अरे भरा हुआ हाथ तो है मेरा, फिर मैं तुझसे क्यों मांग रही हूँ? तेरा दिया मेरे पास सब कुछ तो है। सिमरन बांध ली राखी। जी वीर जी, अरदास कराना चाहती हूँ गुरुद्वारे में, अपने वीरा के नाम की, इसलिए एक बार उसे गुरुद्वारे ले जाना चाहती हूँ। अब इसकी परमिशन तो कमांडेंट साहब ही देंगे, उनसे मिल ले। तुम कैप्टन रंजीत की बहन हो और तुम्हारी हर बात हमें मंजूर है। सर मैं वीरा को एक बार गुरुद्वारे ले जाना चाहती हूँ। जब सब जगह से उम्मीदें टूट जाती हैं तो उसी के घर जाकर मथा टेकने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बेटी, लेकिन कैप्टन रंजीत को इस तरह मिलिट्री हॉस्पिटल के कंपाउंड से बाहर ले जाना ठीक नहीं होगा। उस वाहे गुरु के घर कौन बाल पाका कर सकता है मेरे वीर का? ठीक है, कैप्टन रंजीत गुरुद्वारे ही जाएगा, हो सकता है कि उस ऊपर वाले का बुलावा ही हो।
जन प्यारे सतगुरु तुम रे काज सवारे सतगुरु तुम रे काज सवारे तेरे घर बैसो इस मकसद में ऊपर वाला हमारे साथ है। देखो तुम गुरुद्वारे के गेट के पास रहोगे, तुम ढाबे के पास और तुम बच्चों के गोल घूमने वाले झूले के पास। जी जनाब। चलो ऐसे नहीं टूटेगा। औलाद का जिस्म है ना इसका, ना करते ये ऐसे नहीं टूटेगा। औलाद का जिस्म है ना इसका, इसकी रूह को बना कर गोली लगी है वो भी गुरुद्वारे में। अच्छा कब कैसे? मैं सिमरन जी को और बम्मी जी को बताऊंगा, तुझे को बताऊंगा रंजीत को ले गए हैं पूछताछ के लिए। पर गोली चलाई किसने? पहले खाम खा मेरा मुंह ना खुलवा, बड़ा ठीठ आदमी हूँ मैं, कुछ नहीं बताऊंगा तेरे को। मैं क्यों बताऊं कि मिलिट्री वाले खुद नहीं जानते कि गोली चलाने वाला कौन था। ठीक है मुझे मत बता, पर तू सिमरन जी को तो बताएगा ना? उनको तो बताने जा रहा हूँ ना यार। तू कहे तो मैं बताया हूँ। तू कैसे बताएगा, तुझे तो पता ही कुछ नहीं है कि रंजीत को गोली लगी है। खतरे की कोई बात नहीं है, मिलिट्री वालों को खुद नहीं मालूम गोली किसने चलाई है। तो फिर जाना। जा तो रहा हूँ ना यार, जल्दी जाना यार। काम कर रहा यार, जाता हूँ। जाना जाना है। मैंने कहीं कुछ बता तो नहीं दिया उसको? ना ना, इसे पता ही कुछ नहीं बेचारे को। बड़ा फूल है। सरपंच जी गोली लगी अपने रंजीत को। क्या? नहीं, टोला सिंह खबर देने गया है पम्मी भाभी और सिमरन जी को। याद करो रंजीत, याद करो कौन था वो, क्यों भागे थे उसके पीछे तुम, क्यों? सर उसने मुझे बहुत मारा था,
बहुत मारता मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। अरे मेजर रंजीत बोलिए ना, कौन था वो, कौन था वो? अरे कुछ तो याद होगा आपको, बताइए ना, बताइए। सर ये वही आदमी है सर, जिसका पीछा करते करते मैं हिंदुस्तान की सरहद पार करके पाकिस्तान की सरहद में घुस गया था। क्योंकि उन दिनों बख्तावर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों के दिलों में नफरत की आग भड़का रहा था। ऐसे नहीं टूटेगा, औलाद का जिस्म है ना इसका, इसकी रूह को फना करते। मेरे शरीर पर वार करते करते जब वो थक गया, तब बख्तावर ने मेरे धर्म और मेरी आत्मा पर वार किया। उसकी उन जुल्मों की वजह से मैं अपनी याददाश्त खो बैठा। शायद इसी वजह से उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया कि अब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा। फिर वहां बड़े मियां नाम के एक शख्स ने कई साल तक मेरी देखभाल की, और एक दिन उन्होंने मेरे लिए जावेद से सिफारिश की कि मुझे सरहद पार वापस भेज दिया जाए। आज कुछ लोगों को बॉर्डर पे छोड़ा जा रहा है हिंदुस्तान वापस जाने के लिए, अगर हो सके जावेद तो इसको उनमें शामिल करवा दो। मुझे देखना पड़ेगा कि कानूनी तौर पे क्या किया जा सकता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बहादुर सिपाही हिंदुस्तान वापस जरूर लौटेगा। उनकी सिफारिश कामयाब हुई, मगर मुझे फिर भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। आज फिर मैंने उसी बख्तावर को देखा जो पाकिस्तान में था, जिसने इतने जुल्म मेरे ऊपर किए। मेरी जान क्यों बचाई जावेद? धीरे बेटा धीरे, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कुछ कर्ज था जिसे चुकाना जरूरी था। कौन सा कर्ज? कर्ज तो बेटा पाप का चुकाता है, पाप नहीं। जी बड़े मियाँ, मैं जानता हूं कि बख्तावर आप ही का बेटा है। कुछ औलादें होती हैं बेटा, जिनका कर्ज माँ बाप को चुकाना होता है, बख्तावर उन औलादों में से है। बाप और बेटे के बीच में इतनी नफरत, और वो भी बगैर किसी वजह के? इसके दिल में जो मेरे लिए नफरत है, उसकी वजह इसके नाना, इसकी मां के अब्बा। सन 65 की बात है, हालात खराब थे, मैं उस वक्त हिंदुस्तानी फौज में मेजर था, तब बख्तावर अपनी मां के पेट में था। इसके नाना ने कहा चलो हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, मैंने इनकार किया तो जबरदस्ती मेरी बीवी को पाकिस्तान ले आए। बख्तावर के पैदा होते ही मेरी बीवी चल बसी। इसके बाद सन 71 की जंग का वाकया है, मेरी पोस्टिंग कच्छ के रेगिस्तान में थी। एक पाकिस्तानी खबरी मुझे सरहद पार ले गया एक दस्ते को काबू करने, मगर वो बख्तावर के नाना की साजिश थी। मेरे साथ जो हिंदुस्तानी फौजी थे उन्हें मार दिया गया, और मेरे घर पर कुछ पाकिस्तानी दस्तावेज रखवाकर मुझे अपने मुल्क के सामने गद्दार बना दिया। उसके बाद मैं यही पाकिस्तान में रह गया। बड़े मियां, आपको मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए था। कानून के मुताबिक तो मुझे अब आपको अपनी हिरासत में ले लेना चाहिए। यकीनन ले लेना चाहिए, मगर तुम ऐसा करोगे नहीं। क्यों? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तुम्हारा मिशन है बख्तावर को पकड़ना, और मुझे लगता है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं, इसलिए तुमने मुझे बचाया। शायद आप सही कह रहे हैं बड़े मियां। एक गलती मैंने की थी, अपने बाप के कहने पर रंजीत को जिंदा छोड़कर। वही रवि ने किया,
साले ने गोली मारी है, टांग पे गोली मारी है, सीने पे नहीं। और अब वो रंजीत की बहन से शादी कर रहा है। जनाब, रवि का ईमान तो पहले से हम खरीद चुके हैं, लेकिन उसकी काबिलियत पर ज्यादा एतबार करना ठीक नहीं। हम जो कुछ करना होगा हम ही को करना होगा। एक तरफ रंजीत की बहन की डोली निकलेगी और दूसरी तरफ रंजीत का जनाजा। और तब तक हमें रवि की शादी की खुशी का जश्न मनाना चाहिए। ओए चीता, बहुत दिन बाद कर आया है। उन कल्ले अंदर जानते हो, मुंह रखना होता। रंजीता जा पुत्र जा, ओए हट जाओ पीछे, चिपकी जान देने। कौन है गा? चाचा देखता सही कौन आया है। वाहे गुरु जी, कौन है भराओ? रंजीत पुत्र, वे कोई कुड़ी है, कौन आया है? मीरा, समझते कि मैंने तुम्हारे आने की उम्मीद छोड़ दी।
रो लेने देना मुझे आज, तब का बाकी है जब से तुम गए हो। ये वाही गुरु और तेरे विश्वास का नतीजा है पम्मू कि आज मैं जिंदा हूं। मैं तेरे एक एक आंसुओं का बदला चुकाऊंगा। पम्मू मैंने पग सही बांध दिया ना? मैं शीशा लाती हूं। शीशे की क्या जरूरत है? 2 मिनट अपनी आंखों में देखने थे। और पम्मो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आंसू पोंछ लेती हूं। अब कोई झप्पी पाले कुड़िए। वीरा, मैं तो कह रही थी। ओए तू कुछ ना कह। मैं तुझे कहने वाला था कि अब तेरी शादी हो जाएगी। वो तो हो जाएगी। और तू अपने वीरा को छोड़ के चली जाएगी। हाँ वो तो है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू मेरा सबसे प्यारा वीर है। सही कह रही है ये लड़की। ये मिर्जा साहिबा की धरती है और ये मिसाल पुत्र तुझे दुनिया की किसी प्रेम कहानी में नहीं मिलेगी। जब साहिबा के सामने उसके प्रेमी और भाई में से किसी एक को चुनने की नौबत आई ना, तो उसने अपने भाई को चुना और प्रेमी को मरवा दिया। बाद में खुद भी अपनी जान दे दी क्योंकि मिर्जा के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती थी। ओ पुत्र, ये एक ही बोली है, एक ही जबान है, एक ही जगह है जहां वीरा वाली नाम किसी लड़की का मिलेगा। वीरा वाली मतलब भाइयों वाली, पुत्र भाइयों वाली। मेरे तो एक ही भाई है। कैसी लग रही पगड़ी? ना मैं शीशा लाऊंगी और ना ही अपनी आंखों में देखने दूंगी। ये क्यों बांध ली? मेरी दुश्मन, फिर चले जाओगे जंग में। अरे अब जंग कहाँ है कुड़िये। अमन के वक्त एक सिपाही का फर्ज होता है कि वो अपने फर्ज को अंजाम देता है, वरना अपने सरहद की हिफाजत कैसे होगी? और अपना घर, अपने घर की तरफ कोई फर्ज नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही थी? घर तो सबसे पहले, एक एक घर जोड़कर तो देश बनता है। अभी अभी तो आया हूँ। अरे पगली, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, एक मिशन पूरा करना है बस। और सिमरन की शादी, 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम्हारे आने के बाद ही शादी करेगी। अरे उसकी शादी भी तो मेरे मिशन का हिस्सा है। तुम ठीक कह रहे हो रंजीत, इन टेररिस्टों से निपटने का यही तरीका है और इन्हें खत्म करना हमारे फर्ज में भी आता है। सर मुझे एक और फर्ज पूरा करना है। सिमरन की शादी रखी है 13 अप्रैल को, आपका आशीर्वाद है। इस शादी को रोक दो रंजीत, बख्तावर शादी का फायदा उठाकर जरूर आएगा हमला करने के लिए और इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं सर, आने दीजिए उसे। जय हिंद। सर मेजर क्या ठीक कर रहा है? हाँ, हमें इसके जज्बे की कद्र करनी चाहिए और हिफाजत भी। हमारी पूरी फौज वहां मौजूद होगी। हेलो। हेलो रंजीत, मैं जावेद, सरहद पार से। जावेद, लगता है तुम्हें याद नहीं। मुझे याद है और ये भी पता है तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे हिंदुस्तान आने में तुमने मेरी जरूर मदद की होगी। तुम भी एक फरिश्ता हो,
एक अच्छा इंसान और एक अच्छे इंसान की मदद की थी मैंने। एक सिपाही ने एक सिपाही की मदद की थी। सुना है तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, भाई बहुत मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता? मुझे भी इसकी खबर है और बड़े मियां को भी, वो भी अपनी दुआएं भेज रहे हैं तुम्हारे लिए। मैं तुम दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप लोगों की वजह से मेरी जान बची है। लेकिन अब खबर अच्छी नहीं। क्यों? बख्तावर वहीं है, भारत में। मुझे पता है कि बख्तावर यही है, इसीलिए मैंने सिमरन की शादी खुलेआम रखी है। तुम्हारे जैसा बंदा जो भी काम करेगा वो अपने मिशन का हिस्सा जरूर होगा। बहरहाल तुम्हारी कामयाबी की दुआ के लिए फोन किया था। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। और जावेद भाई, आप घबराइएगा मत, बख्तावर इस टाइम नहीं बचेगा इंशाल्लाह। पल्ले, दिल टूट गया। क्यों? ये सारा खर्चा तूने किया था? ओ नहीं नहीं, अपनी मोहब्बत थी कुड़ी से। खैर मोहब्बत तो अभी रहेगी, पर दिल टूट गया। रंजीत सिंह पीछे देख, तेरे हर बराती के पीछे मेरा एक एक टेररिस्ट खड़ा है। तेरे हर आदमी के पीछे मेरे फौजी हैं। यहां से उड़के चल जाऊंगा, समझे? चुप। ये याद रखना रंजीत कि जो ताला तू आज लगा रहा है ये ताला तू ही खोलेगा, तू ही खोलेगा, समझा? ये ताला अब कभी नहीं खुलेगा बख्तावर, इन हाथों से। हनीफ, तू मेरे मजहब का है, तू इन काफिरों के साथ क्यों तेरा? तू अगर मुझे बता दे कि तेरा मजहब क्या है तो मैं तेरा साथ देने को तैयार हूं। अफसोस, तुझ जैसे मुट्ठी भर लोगों ने मेरा मजहब बदनाम करके रखा हुआ है।
ये कैसे बहू है, ना इसका शगुन हुआ ना उसका लाड हुआ। अरे नहीं बहू का ख्याल तो करो। मुझे इस दुनिया से उठाया है रब्बा, मुझे इस दुनिया से ऐसा लग रहा है रब्बा, मुझे अपनी जीना है, मुझे अपनी जीना है रब्बा, हाय रब्बा, मुझे अपनी जीना है। चुप हो जाओ, चुप चुप। बीजी पुत्र कुछ नहीं रहा, हम लोग लुट गए। बीजी माँ जी को तो चैन ही नहीं पड़ रहा है किसी तरीके से। पड़ जाएगा जब वो मान जाएगी कि उनका बेटा मर चुका है। ऐसे कैसे बोल रहे हो? और कैसे कहूँ, आजकल कोई हालात है पुलिस की नौकरी करने के? अच्छे अच्छे लोग रिजाइन कर रहे हैं और तुम्हारे भाई को क्या मिला मिलिट्री में रह के? आज जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उसी को मारने आए थे और मेरे भाई को मार के चले गए। तो तुम कहना चाहते हो सूरज की मौत का जिम्मेदार मेरा वीर है? हाँ, और पता नहीं और कितनों की मौत का जिम्मेदार बनेगा। रवि बहुत अच्छी शुरुआत की तुमने हमारी जिंदगी की, और इसके बाद भी अगर मैं इस घर में रह जाऊं तो अपने भाई की बहन नहीं मैं। अब, अरे सिमरन पागल मत बन, पता नहीं क्या क्या बकते जा रहा हूं मैं। ए आई एम सॉरी, ए सिमरन, ए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्यों सिमरन, आज अपनी सुहागरात है। हाँ, लेकिन घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी। पर उस ट्रेजेडी की वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? होश में हो रवि, कल सुबह आऊंगा। रवि, 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 रवि प्लीज। जी बड़े मियां, पाकिस्तानी हुकूमत ये जानना चाहती है कि बख्तावर की अगली मूव क्या होगी, क्योंकि हमारे बॉसेस को ये डर है कि जो खतरनाक हरकतें बख्तावर ने की हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत को अपने जाल में फंसाकर पाकिस्तान का नाम दोबारा बदनाम करेगा। लेकिन हुआ क्या है जावेद? कमाल की बात करते हैं, आज तक बख्तावर के बारे में आप मुझे सब कुछ बताते रहे, आज मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हुआ क्या है। अपने ईमान की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। हैरत की बात है बड़े मियां, इतना बड़ा हंगामा हो गया और आपको कुछ मालूम ही नहीं है। और रंजीत, मेरे पास खबर अच्छी नहीं। ये मिस्टर आर के गुप्ता होम सेक्रेटरी, इनका कहना है कि इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया जिसे बर्मा के पास के इलाके में उतारा गया। कोई बात नहीं सर, आप लोग उनसे नेगोशिएट कीजिए, हम उन्हें रोक के रखेंगे। नहीं, इतना वक्त नहीं है, हमें उनकी मांगे माननी होगी। 70 सवारियां हैं उस प्लेन में, जिनमें औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं। उनकी मांगे क्या है सर? उन्हें बख्तावर चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता सर, बहुत मुश्किल से पकड़ा है मैंने उसे, वो एक बहुत बड़ी कड़ी है हिंदुस्तान में होने वाले टेररिज्म की। लेकिन उस तरफ 70 जाने हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है। ठीक है सर, हम बख्तावर को वहां ले जाएंगे,
लेकिन बिना बख्तावर दिए उन किडनैप पैसेंजर्स को वापस ले आएंगे। उन्हें इतना कच्चा ना समझो रंजीत। उनका कहना है कि जब हम बख्तावर को सही सलामत उसके आदमियों तक पहुंचा देंगे उसके बाद ही वो वहां से प्लेन कोड़ने देंगे। अगर हम उन्हें गलत खबर दे तो बख्तावर के मुंह से कहलवाने की जिम्मेदारी मेरी है कि वो आजाद हो गया। हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं बख्तावर को लेके भाग जाऊंगा सर। आप कहिए आपके पास बख्तावर है ही नहीं। लेट्स किल हिम सर। अरे वहां वो लोग 70 लोगों को मार देंगे। अरे इस पागल को कोई समझाओ। हम पागलों की वजह से देश टिका हुआ है सर। जिस दिन हम पागल समझ जाएंगे ना तो दुश्मन को दिल्ली पर कब्जा करने में एक दिन भी नहीं लगेगा सर। मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट कर्नल अब आपको ही कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ थोड़ी सी देर और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सर ऑर्डर रंजीत। मैं ये काम नहीं कर सकता। आई सेड इट्स एन ऑर्डर रंजीत। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो बख्तावर को उसके आखिरी दम तक फोन करवाने के लिए रोके रहे। नहीं सर मुझसे ये काम नहीं होगा सर। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट बख्तावर को छोड़ देती है तो रंजीत जैसे इंसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, और अगर नहीं छोड़ती है तो दूसरी तरफ सिविलियन जाने जाती हैं। मिलिट्री की हार हार, टेररिस्ट के हाथों किसी भी फौज की हार पूरी दुनिया की फौजों की हार है, और इसे कोई सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बर्बादी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। सोचने और बातें करने से अब कुछ नहीं होगा बड़े मियां। कब से हम बातें कर रहे हैं बख्तावर की आंधी को रोकने की, मगर अब अगर उसको रोका ना गया तो वक्त कभी नहीं माफ करेगा, ना हमें और ना आपको। हाँ रंजीत बोलो। सर मैं फिर दोहराना चाहता हूं जो मैं पहले कह चुका हूं। और मेरा भी वही जवाब है जवान जो तुम्हें मिल चुका है। क्यों सर क्यों? हम अपनी जान पर खेल के टेररिस्ट को पकड़ते हैं और आप कुछ ना कुछ सौदे पर उन्हें छोड़ देते हैं। सवाल बख्तावर को छोड़ने का नहीं है, सवाल उन 70 मासूम सिविलियंस की जान बचाने का है। सर जब एक सिपाही पर गोलियां चलती हैं तो उसके साथ उसकी माँ भी मरती है जो एक सिविलियन होती है, उसकी बहन भी मरती है जो एक सिविलियन होती है, उसकी बीवी उसके साथ मरती है वो भी एक सिविलियन होती है, और उसके साथ उसकी बेटी मरती है जो उन्हीं लोगों की तरह सिविलियन और मासूम होती है जिन्हें बचाने के लिए आज बख्तावर को छोड़ा जा रहा है। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हनीफ बख्तावर को छोड़ने का काम तुम करोगे। मगर ऑर्डर्स तो आपके नाम के हैं सर। मैं रिजाइन कर दूंगा। देखिए कोर्ट मार्शल हो सकता है और लेकिन वो जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मुझे बख्तावर को छोड़ने के बाद मिली। वो तो मैं भी जानता हूँ मगर ऑर्डर्स तो हमें मानने पड़ेंगे ना सर। नहीं हनीफ ये काम तुम करोगे। तुमने ही कहा था ना कि ऑर्डर्स मानने चाहिए। ये मेरा ऑर्डर है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। सर मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है बड़े मियां आप? मुझे हिंदुस्तान जाना है। क्यों? एक काम है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम हो जिसके हो जाने से शायद मेरे दिल पे लगे कुछ दाग मिट जाएं। गालिबन आप बख्तावर की बात करना चाह रहे हैं? हाँ मुझे जाने दो जावेद। एक बाप की हैसियत से जा रहा हूं मगर जरूरत पड़ी तो एक सिपाही बनने में देर नहीं करूंगा। Till all inquiries and proceedings are completed, he is suspended from active duty. Major Ranjit Singh ko suspend kiya jana hai. Kyun aaye nahi tumhara sardar? Kya naam hai uska? Ranjit Singh. Allah. क्यों नहीं आ रहा? उसे छोड़ने के लिए तो आना चाहिए था ना। रंजीत सिंह सर बख्तावर की रिहाई के बदले में टेररिस्ट ने प्लेन और पैसेंजर्स को छोड़ दिया। ओके आजादी मुबारक हो बख्तावर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। रंजीत सिंह को मारने में तुम नाकामयाब रहे। लेकिन आज रंजीत सिंह की जो बेइज्जती हुई है उसके बाद वो किसी और का क्या बिगड़ सकता है? तुम कहां हो इस वक्त? इस वक्त मैं रसूल के साथ पुरानी हवेली जा रहा हूं और तुम लोग मुझे वहीं आके मिलना। और हाँ इंडियन मिलिट्री की वर्दी पहनकर आना ताकि तुम लोग मुझे आसानी से बॉर्डर क्रॉस करवा सको। वो तो ठीक है बख्तावर पर मेरे पैसों का क्या हुआ? पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ओके
तुमने कुछ सुना? कुछ नहीं। जनाब गाड़ी रुको। गाड़ी यहां क्यों रुकवाई रसूल? वो घबराओ मत, सिवाय रसूल के और कोई नहीं जानता कि तुम और मैं यहां हैं। वही रसूल जो कल तक तुम्हारा वफादार था और आज मेरे असूलों के हक में है। तो अभी तक आप जिंदा हैं? भाई समझ में नहीं आता क्या किया जाए। खैर आप तो यही कहेंगे कि अल्लाह की मर्जी है। हाँ ये अल्लाह की ये मर्जी है कि इतने सालों के बाद मैं उसी जमीन पर खड़ा हूं जिस पर खड़े होने का हक तुमने मुझसे छीना था। मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त निहत्थे हो। हथियार मैं तुम्हें देता हूं, अपनी जमीन पर मरने का खौफ मुझे नहीं है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बर्बादी का रास्ता छोड़ दो या मुझे अपने रास्ते से हटा दो। मैंने कहा था ना, मेरी जिंदगी और मौत कभी तुम्हारे हाथ रही ही नहीं। जाओ, आजाद हो। आज के बाद कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। बस एक बाप का हक दे दो, एक बार मिलकर जाओ, फिर मेरी मिट्टी और मेरी किस्मत। खबर अच्छी नहीं है सर, बख्तावर ने बड़े मियां को मार दिया है। क्या? जी सर, अब क्या करें? घबराओ मत हनीफ, बड़े मियां की मौत फिजूल नहीं जाएगी। मैं जानता हूं कि बख्तावर कहां होगा। क्या कर रहा है रवि? की छोड़, तुझे मालूम है कि तू यहां क्या कर रहा है। रवि देखिए बख्तावर है, दूर हो जाए इससे, ये मरने वाला है। जब तक मैं जिंदा हूं इसे कोई नहीं मार सकता। ये दुश्मन है देश का, दोस्त है मेरा, कमाई का जरिया है ये। सिमरन को क्या जवाब दूंगा मैं? उसकी फिक्र तुम मत करो, उसके लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। वर्दी क्यों पहन रखी है रवि?
मिलिट्री वालों को धोखा देने के लिए। ये वर्दी धोखा देने के लिए नहीं है, धोखेबाजों को बांटने के लिए है। तू इसके लायक नहीं है। रंजीत, पीछा करो उसका। जाओ अंदर।
मैं तुझे इसे नहीं मारने दूंगा। मुझे इसे बहुत पैसे वसूल करने हैं। अगर कोई मरेगा तो वो तू। चाहो तो मैं तेरा हाथ भी काट सकता था, लेकिन मेरी बहन की सुहाग को मैं नहीं मारूंगा। चला गोली। हजारों साल पुरानी कहानी है मिर्जा साहिबा की। साहिबा को मिर्जा और अपने भाई में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो उसने अपने भाई को चुना। मैं अपने वीर की जान कैसे जाने देती? और फिर रवि तो गद्दार भी था हमारे देश का। जिस देश के लिए मेरा वीर लड़ रहा है उसमें किसी देशद्रोही के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान जा रहे हैं, पंजा साहब के दर्शन करने। दर्शन करने या कुछ और? अमृतसर से एक जत्था जा रहा है, मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। पिछली बार गए थे तो इंतजार की घड़ियों में सदियां गुजर गई थी। अरे पगली, पंजा साहब के दर्शन करने का मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। तो फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तेरे आंचल की जब याद।